लॉकडाउन में तन्हाइयों का गम और घर के अंदर बंद कमरे में मोबाइल वीडियो गेम का सहारा कई कहानियों को जन्म दिया है। इनमें प्रेम कहानियों की गाथा भी सामने आई है। सरहद के पार यानी पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक वाली लव स्टोरी ने कोहराम मचा दिया है। इन प्रेमियों में पबजी और लूडो गेम की खुमारी इतनी थी कि इश्क चढ़ते ही सरहदों को भुला बैठे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ताजा मामला पाकिस्तानी प्रेमिका सीमा गुलाम हैदर और हिंदुस्तानी प्रेमी सचिन मीणा की है, जो इन दिनों अखबार और मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। ऐसी प्रेम कहानी जिन्हें हम फिल्मी पर्दों पर देखते हैं। एक मुस्लिम महिला जो सरहद के उस पार पाकिस्तान में रहती है और पबजी गेम खेलते हुए हिंदुस्तानी युवक से मोहब्बत कर बैठती है। मोहब्बत का ऐसा नशा जो अपने पहले पति को भुलाकर सरहद की सीमा लांघकर सीमा नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत पहुंचती है। करीब 1.5 महीने बाद जब सीमा और सचिन अपनी शादी को लीगल बनाने के लिए कोर्ट गई तो सीमा गुलाम हैदर की पहचान का खुलासा हुआ। ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने सीमा और सचिन मीणा समेत सचिन के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी हुई तो ग्रेटर नोएडा की एक अदालत ने इन सभी को बतौर शर्त जमानत पर रिहा कर दिया। लेकिन यह प्रेम कहानी सिर्फ सीमा और सचिन की ही नहीं है, पाकिस्तान से भारत आई इकरा जीवानी की भी कहानियां कुछ ऐसी हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार करीब 5 महीने पहले पाकिस्तान के हैदराबाद की इकरा जीवानी और हिंदुस्तान के यूपी प्रयागराज के रहने वाले युवक मुलायम सिंह यादव की भी है। इनकी भी लव स्टोरी लॉकडाउन के दौरान मोबाइल गेम में लूडो से शुरू हुई थी। लूडो के गेम में दोनों को इश्क हुआ और इकरा जीवानी पाकिस्तान की सरहद पार कर गैर कानूनी तरीके से नेपाल के रास्ते भारत पहुंच गई। इस मामले में पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया था। इकरा जीवानी को बाघा बॉर्डर के रास्ते वापस पाकिस्तान भेज दिया गया, जबकि मुलायम सिंह यादव को जेल भेज दी गई। उस समय भी गेम खेलकर प्यार होने वाली पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी प्यार की खबरें सुर्खियों में रही थी।